नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं जालौन की कुछ खबरों की ओर। जालौन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 29 अप्रैल से गायब मामा भांजी के जले हुए शव सिरसा कलार के जंगलों में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने जले हुए शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामला उरई कोतवाली इलाके की काशीराम कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, जहां के रहने वाला 25 वर्षीय राशिद व इंदिरा नगर का रहने वाला मामू नसीम 29 अप्रैल को संदिग्ध हालत में लापता हो गए थे। परिजनों ने दोनों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहीं पता न लगा, जिस पर लापता होने की जानकारी उसके परिजनों ने उरई कोतवाली जाकर दी। साथ ही इंदिरा नगर के रहने वाले रफीक एवं अनीश पर अगवा करने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी, लेकिन उरई कोतवाली के प्रभारी विनोद पांडे ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा युवकों के लापता होने पर स्वजनों पर ही आरोप लगाते हुए उन्हें दुत्कार कर कोतवाली से भगा दिया। इसके बाद वह राशिद व नसीम के परिजन उरई कोतवाली और पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, पर पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की, जिसके चलते परेशान परिवार वालों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और मामले की गंभीरता लेते हुए नामजद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिनकी निशानदेही पर उरई कोतवाली पुलिस ने सिरसा कला क्षेत्र के जंगलों में पहुंची, जहां दो जली हुई लाश बरामद की। जब परिजनों ने पुलिस ने जले हुए शवों की शिनाख्त कराई, तो वह मामा भांजे के शव निकले। इनकी शिनाख्त जूतों व कपड़े से हो सकी। इन दोनों सब मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस ने शिकायत के दिन ही आरोपियों को पकड़ लिया होता, तो उनके भाई और बेटे की हत्या ना हुई होती। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जालौन से संवाददाता नवीन कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? यहाँ से ये कॉलोनी के दुकान के पास से हमारे दो बच्चे गायब कर लिए गए हैं। कब? और आज 4-5 दिन हो गए हैं। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए हैं, कोई सुनाई नहीं हुआ साहब, कोई सुनाई नहीं हुआ हमारा। और उन लोगों ने क्या दिया कि क्या मैं पेट से निकाल के दे दूँ? मेरी बीवी को ये जवाब दिया है, मेरी बीवी गम खा के चली आई इधर चले गई, तो देखा सुना किसी को, किसी ने कुछ बताया तो कहीं कोतवाली जाओ, कहीं साहब लो जाओ लिखवा दो, तो लिखवाया कुछ, और किसी को यहाँ पेश किया बड़े बड़े साहब वालों अधिकारियों वालों, कहीं कि हमने कल पहुँचेंगे, कल बात करेंगे आपको। और इस तरीके से हमारी औरत परेशान रही अकेली, बिना पढ़े लिखे हम भी हैं, बिना पढ़ी हमारी औरत है, धंधा करते चूड़ी वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा घर मकान बच्चे सब है, जिसका कांड किया गया है वो हमारा लड़का खास है, और उसकी शादी भी हो चुकी है, 1 साल हुआ है, तो पूरे मोहल्ले को मालूम है कैसा हमारा बच्चा है, मालूम कर लीजिए, अगर ख़राब हो तो हमारा खराब सलूक भी दीजिए। अकेले कोई कैसे मालूम पड़ा कि हत्या हो गई? हैं, कैसे मालूम पड़ा हत्या? अभी रात में सूचना हुआ है कि पकड़ करी है उन लोगों की जो ने कांड किया है, उन लोगों को हम लोगों ने पकड़वाया है, और वो लोग सामने आ गए, उनकी पिटाई की गई है। जब रात में सूचना पूरी फिट करी है, रात में जब कोशिश करी गई है, तब हमारे बच्चों के सामने बात आई है, हम लोग अपने साथ हैं, हमारे बच्चे के लिए हमने कहा घर पे हमारी एकदम वो ना हो पाए, दो जने हमारे वहाँ हैं, एक लड़का और हमारी घरवाली, हमारा एक लड़का। क्या घटना हुई है सर जी? कुछ नहीं हुआ ना, लड़ाई नहीं, लड़ाई बस जिन लोगों ने पकड़ करी। तो देखिए पुलिस के पास गए थे सब लोग क्या? हाँ, अभी मम्मी कुछ सुनाई नहीं हो रही पुलिस में। देखिए कितने दिन हो गए शादी की तुम्हें? 1 साल। अच्छा, जब ये लोग पकड़ के ले गए थे तब आप लोगों ने पुलिस में सूचना की थी? हाँ। क्या बोले फिर पुलिस वहाँ में? वहाँ पे पुलिस वाले बोले कुछ है ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं है, कुछ नहीं बता रहे, इतने दिन हो गया, 6-7 दिन है गए। अब 7 दिन बाद कैसे पता चला कि आपके पति और उनके दूसरे रिश्तेदार की हत्या हो गई?